गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है चैत्र रामनवमी। आप लोगों को मेरी तरफ से चैत्र रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं हो। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और आज है चैत्र रामनवमी। तो आज बहुत सारे काम है और सुबह सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह से रहता है, कितना अच्छा लगता है। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है पौधे को देखना, चारों तरफ ग्रीनरी और एकदम शांत सा माहौल, बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आता है। और सबसे बढ़िया बात कि सुबह सुबह जब घर को क्लीन कर लो और सुबह सुबह पूजा कर लो तो बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन अच्छा जाता है। तो बस इसी के साथ मैंने अभी घर के जो है झाड़ू पोछे कर लिए हैं। घर को जो है साफ़ करने के बाद जो है अब मैं नहाने जाऊँगी और अभी सब सो रहे हैं तो मैंने सोचा कि अभी शांत समय है और मैं जल्दी से नहा के और किचन में आ गई हूँ। और नहाने के बाद जो है सुबह सुबह प्यास लग जाती है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। पानी पीने से माइंड एकदम फ्रेश रहता है और बस मैं लग जाती हूँ अपने कामों में, क्योंकि आज है रामनवमी तो आज कन्या पूजन है और हवन भी करना है और सारे काम मेरे को ही करना है। तो जब तक मैंने वहाँ पर आलू रख दिया है गैस पर और यहाँ पर मैं सुबह सुबह स्वास्तिक बना लेती हूँ। सुबह सुबह कहते हैं कि दरवाज़ों के सामने स्वास्तिक बनाने से एक पॉजिटिव वाइब्स आता है, बहुत अच्छा लगता है। आप बना के देखिए, आपको बहुत एक मतलब अंतरात्मा में बहुत शांति मिलती है। आप डेली सुबह बना के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं वहाँ पे स्वास्तिक बना के आ गई हूँ और बस यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है पूड़ी चढ़ाने के लिए बना लेती हूँ। तो जो माता रानी के लिए हलवा पूड़ी बनता है ना, वो सबसे पहले मैं घी में बना के निकाल लूँगी। जब पहले से काम जो है हमारा मेंटेन रहता है तो फिर हमें बहुत आसान हो जाता है काम करने में। तो पहले से तैयारियां करके हमने रख दिया था। तैयारियां क्या, मैंने आलू धुल के रख दिया था और कन्या के लिए हमें भोजन भी बनाना है तो बस मैंने एक तरफ गैस पे आलू रख दिया और यहाँ पे देखिए ये पूजा की पूड़ी तैयार हो गई है जो हम हवन में डालेंगे। और माता रानी की जो है आज विदाई है तो उनको हलवा पूड़ी चढ़ाना है। तो बस इसी तरह हम जो है यहाँ पर सूजी का हलवा भी बना लेते हैं। तो सूजी का हलवा हम थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं, फिर कन्या के लिए हो जाएगा, अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस उसी कढ़ाई में मैंने घी डाला और सूजी को डाल के बस मैंने भून लिया और इसमें बस पानी डाल के हलवा बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो बस एक तरफ मैं अपना हलवा भी बना ले रही हूँ और जो मैंने पूड़ी बनाया था उसको हम मंदिर में हटा के रख देंगे वहाँ पर। तो साथ के साथ मेरी पूजा की तैयारी भी शुरू हो रही है और किचन का काम भी हो जा रहा है। तो मैं इस तरह से अकेले अपने काम निपटा लेती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता है और जो है मुझे थकान भी नहीं लगती है और बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जो दो दो का जो जोड़ा चढ़ता है माता रानी की, तो 9 पूरी चढ़ता है, 9 में जैसे 9 जोड़ा, तो इसी हिसाब से मैं बना के रख दूँगी। मैंने बचपन में देखा है अपनी मम्मियों को ऐसे इस तरह से चढ़ाते हुए, तो इस तरह से 9 का जो जोड़ा होता है वो इस तरह से बना के और बस माता रानी को जो है चढ़ाया जाता है और हवन में डाला जाता है। तो बस मैंने पूजा की पूड़ी हलवा बना ली हूँ और अब यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ चना, क्योंकि चना जो है कन्या के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। पहले मैं चने की सब्ज़ी नहीं बनाती थी, पहले मैं सिंपल आलू पूड़ी यही बना लेती थी और हलवा चढ़ा लेती थी, लेकिन अब जो है मैं चने का प्रसाद भी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सूखा चना बनाने वाली हूँ। और जब भी मैं दिन में वीडियो बनाती हूँ उसके बाद फिर वॉइस ओवर करती हूँ तो बच्चे बहुत आवाज़ करते हैं, तो बस थोड़ा सा इग्नोर करना। और बस यहाँ पे मैंने सूखा सूखा जो चना बनता है, सिंपल ही बनता है, इसमें लहसुन प्याज तो डलना नहीं है, बस टमाटर को मैंने ग्राइंड किया है, अदरक और हरी मिर्च को, बस उसको मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के उसमें जो है लगा दिया है सिट्टी। और यहाँ पर मैंने सिंपल आलू, जैसे फलाहारी आलू नहीं बनता, उसी तरह मैंने टमाटर और वो सब डाल के बना दिया। तो उधर मेरे चने भी तैयार हो जाएंगे
जाएंगे, उधर मेरे आलू बन जाएंगे, तो जब तक हम यहाँ पे पूजा कर लेते हैं। तो बस इसी तरह से हमारी तैयारी रहती है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और बहुत एकदम खुशी मन से। तो यहाँ पे हम दोनों लोग पूजा कर रहे थे, सॉरी हवन कर रहे थे, तो बच्चे भी सो रहे थे, तो उनको भी एक आवाज़ में जो है उठा दिए, और उठने के बाद फिर नहा के तुरंत आके बैठ गए। तो इस मामले में बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, पूजा पाठ में बहुत जो है वो करते हैं, पूजा करते हैं। बस हाँ थोड़ी सी साथ में रहते हैं तो शैतानी कुछ ज़्यादा ही करते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग हवन कर लेते हैं, तो हम अपना खुद से हवन कर लेते हैं, वैसे पंडित को बुलाते नहीं हैं। वैसे आज के दिन पंडित बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, सबके घरों में जाते हैं, तो बहुत लोग नॉर्मली अपने घरों में कर लेते हैं। तो बस इसी तरह से मैंने भी पूजा कर लिया, और जितना मुझे आता है उतना हमने बहुत मन से दिल से किया। तो बस मेरे हवन भी हो गए हैं, पूजा भी हो गए हैं, माता रानी को मैंने पूड़ियाँ चढ़ा दी है, और बस यहाँ पे हमने दक्षिणावर्ती जो है शंख में पानी भर के और गंगा जल पूरे घर के छिड़काव कर देती हूँ। कहते हैं बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है, घर में बरकत होता है, ऐसे मैंने सुना है। बस फाइनली मैं अब आ गई हूँ किचन में, खाना तो मैंने सारा बना लिया था, और यहाँ पर मैं कन्याओं के लिए जो है आसन लगा देती हूँ, और फिर जब तक मैं पूड़ियाँ अपना बनाऊँगी, पूड़ियाँ बनाने के बाद फिर मैं अपना गई बुलाने, और कन्या हमको मिल गई आसानी से और बस आ गई। तो मैं अब कन्या को भोजन करा देती हूँ, और आज के दिन कन्याएं कितनी भी शैतानी करे तो उनको बिल्कुल भी ना डांटे, उनको प्यार से जो है पेश आए। और कहते हैं ना कि आज के दिन जो है कन्याएं माता रानी का रूप होती हैं, और बहुत अच्छा लगता है जिसके घरों में जाके जो है कन्या पूजन किया जाता है, जिसके घरों में जाती हैं कन्याएं भोजन करती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, अंतरात्मा को शांति मिलती है। तो बस 9 दिन का मेरा व्रत था और मेरा जो है पूर्ण हो गया है, 9 कन्या को जो है भोजन करा के मुझे बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पे 2 ठेर लंगूर भी मिल गए हैं, एक हमारे घर का लंगूर था, एक बाहर का लंगूर था। तो बस और बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा, और बस आज के दिन मेरा 9वां व्रत पूरा हो गया। यहाँ पे बहुत लोग अष्टमी पूजते हैं, बहुत लोग नौमी पूजते हैं, तो हमारे यूपी में नौमी पूजा जाते हैं, हरियाणा में लोग अष्टमी पूजते हैं। तो बहुत लोग कल खिला लिए, बहुत लोग आज खिलाए। अच्छे से हो गया और मेरा पूजा सफल हो गया, कन्याएं भी खा ली और हवन पूजा सब कुछ हो गया, और सब मैंने बहुत टाइम से किया और बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुकून मिलता है ये सब करके। तो आप लोगों की नवरात्रि पूजा कैसी रही प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी तो पूजा हो गई है, और आप लोगों की पूजा कैसी रही प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हाँ तो कन्याएं यहाँ पे ना मिल जाती है, थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन बहुत आराम से मिल जाती हैं, आके फिर ज़बरदस्ती लाना पड़ता है, क्योंकि आज के दिन सबके घरों में कन्याएं खाती हैं, तो बहुत
मतलब मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ मिल जाती है, इंतजार करना पड़ता है। तो फाइनली जो है आप हमारा किचन देखिए, तो मैं 9 दिन का फास्ट रखी थी और मैं अभी पीऊंगी चाय क्योंकि अभी हिम्मत नहीं है कुछ खाने पीने की, और पारण होगा तो फिर अपना जो है पूड़ी भी खा लूंगी। और आज वैसे है थर्सडे, वैसे तो मैं सोच रही थी कि फास्ट रख लूं, लेकिन थर्सडे के दिन जो है देखती हूँ। फिलहाल तो अभी मैं चाय पीती हूँ, अपना थकान मिटाती हूँ। और तो बस ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो, अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और पसीना आ गया चेहरे पे देखिए। हाँ तो तुम 9 दिन के थोड़ी ना थे ना, अब मैं 9 दिन की हूँ, मम्मी से पूछ के उसके बाद फिर देखती हूँ पारण कब है, उसके बाद पारण कर लूंगी। तुम्हारा क्या, तुम वैसे भी कहते हैं ना कि देवी जी को जो है प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर खुद ग्रहण कर लेना चाहिए, तुम करो ना। तो अभी मैं चाय पीऊंगी ना, ग्रहण नहीं हुआ, चाय ग्रहण नहीं। अभी मैं चाय पीऊंगी, चाय पीने के बाद फिर देखती हूँ क्या खाना है। 9 दिन बहुत अच्छा लगता है, एकदम रिलैक्स सा रहता है। और जब जैसे अनाज खा लो ना, वैसे जो है क्या होता है गर्मी शरीर में, आलस थकान अनिद्रा सब कुछ जो है शरीर में प्रवेश कर जाता है। और 9 दिन इतना शरीर हल्का रहता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊं। बेटा ये बर्तन उठा के रख दो, रख दो, मैं चाय वाय पी लूँ ना तभी कुछ करूँगी। अभी थोड़ा सा थकान लग गया है, मैं थोड़ा सा बैठूँगी और गेम खेल रहा है, पता नहीं कितना। हाँ अच्छा, अभी ले आओ, सुबह से ही लिए हो। हाँ सुबह से लिए हो, देखो खुद ही बोल दिया। इतने बड़े बड़े लगाए थे तुमने? बड़े बड़े कौन लगाता है, बीज बोई थी। इतने बड़े बड़े हो गए? कहाँ, कहते ना उस साल बड़ा बहुत अच्छा होता है जी, मतलब जिस साल जो मतलब